तो क्या खबर आ रही है, यानी कि बड़े मियां छोटे मियां रीमेक। जी हाँ दोस्तों, सुबह से ये खबर आ रही है कि बड़े मियां छोटे मियां एक मूवी रीमेक है। कैसे रीमेक है बात करेंगे इसी पर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो। दोस्तों पहले हम बात करें अक्षय कुमार की जो पिछली मूवी है, भाई कोई भी मूवी उनकी नहीं चली है सिवाय ओ माय गॉड, यानी कि OMG 2। यानी कि जब से ये मूवी आई है बस इसी का नाम लेते हैं कि अक्षय कुमार की अगर कोई मूवी चली है तो वो है ओ माई गॉड। तो दोस्तों आने वाली उनकी जो मूवी है वो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ। इस पे भाई जो फैंस लोग हैं इतनी आस लगा के बैठे हैं कि इस मूवी के जो डायरेक्टर हैं भाई अली अब्बास जफर है। इसलिए जो अक्षय कुमार के फैंस लोग हैं वो भाई आस लगा के बैठे हैं कि ये बंदा कुछ ज़रूर करेगा, यानी कि कुछ ना कुछ भाई ऐसा होगा कलेक्शन इस मूवी का। बोलना चाहता हूँ कि भाई ऐसा कुछ नंबर आने वाले हैं इस मूवी के जो इतिहास रच सकते हैं। कैसे? क्योंकि मूवी के जो डायरेक्टर हैं वो है अली अब्बास जफर। आस फैंस लोग की बहुत ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, तो क्या ये मूवी रीमेक है? कैसे रीमेक है? बात यही है कि एक पोस्टर घूम रहा है, वायरल हो गया है कि जो हॉलीवुड द वायर आउटसाइड मूवी नाम का एक पोस्टर है, तो सेम ऐसा ही लग रहा है जैसे कि अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ है, सेम वैसा ही पोस्टर है। तो लोगों ने समझा ये मूवी रीमेक है। तो दोस्तों ये एकदम से वायरल हो गया कि बड़े मियाँ छोटे मियाँ रीमेक मूवी है। तो ऐसे में जो पूजा एंटरटेनमेंट टीम, यानी कि जो बैनर है उनका जिसके तले ये बनी है मूवी, तो उन्होंने खुद आकर एक बयान दिया कि भाई हमारी जो मूवी है बड़े मियाँ छोटे मियाँ रीमेक नहीं है, एकदम से ओरिजिनल मूवी है। जो भी ये खबर है एकदम बेबुनियाद है, जो भी ये फैला रहा है एकदम अफवाह है। ठीक है, तो मैं दर्शकों को, अक्षय कुमार फैंस लोग को ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये मूवी रीमेक नहीं है। हेटर्स लोग भाई शायद इस मूवी का जो पोस्टर आया है, जैसे कि हॉलीवुड मूवी का सेम पोस्टर है और सेम वैसा ही बड़े मियाँ छोटे मियाँ का है, तो वो पोस्टर वायरल कराया गया है कहीं ना कहीं, इसीलिए जो लोग हैं भाई सोचने लगे कि यार रीमेक तो नहीं है मूवी, रीमेक तो नहीं है मूवी। तो मैं बस यही कहना चाहता था कि भाई ये मूवी रीमेक नहीं है। पूजा एंटरटेनमेंट जो बैनर है, यानी कि जिसके तले ये मूवी बनी है, उसने बयान दिया है कि भाई हमारी मूवी ओरिजिनल है। और भाई आपको एक बात तो यार सोचनी होगी दिमाग से कि जो इस मूवी के जो डायरेक्टर है अली अब्बास जफर है, तो भाई कैसे कर सकते हैं ऐसा काम बगैर ऑडियंस के मतलब बताए? वो बोल ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि भाई आपको बताए ना और हमने एक रीमेक मूवी बना दी। भाई डायरेक्टर कौन है? भाई अली अब्बास जफर बहुत बड़े डायरेक्टर है, ऐसा कुछ नहीं करेंगे वो बगैर बताए आपको। तो आप ये याद रखो, अगर कहीं डायरेक्टर दूसरे होते तो हाँ लगता कि भाई यार रीमेक हो सकती है मूवी, मगर नहीं भाई, यहाँ पे जो डायरेक्टर है एकदम 100% श्योर है कि भाई रीमेक मूवी नहीं है। तो बस यही है जो खबर घूम रही है बाजार में, एकदम से अफवाह है। हेटर्स लोग का भाई सब तौर तरीके हैं कि भाई किसी तरह इस मूवी को नीचा दिखाया जाए, मगर मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शायद अब जो मूवी आने टाइम रह गया है कुछ, तो इस वजह से भी हो सकता है कि शायद अजय देवगन के फैंस लोग हैं कुछ कहते हों, यानी कि उनका मूवी का जो क्लैश है वो भी सेम डे यानी कि ईद वाले दिन होने वाला है, मैदान वर्सेस बड़े मियाँ छोटे मियाँ। जी हाँ दोस्तों, कुछ भी हो सकता है, फैंस लोग इधर उधर कर सकते हैं, पोस्टर को इधर उधर कर सकते हैं। तो बस मैंने सोचा यार आपको तो बताना चाहिए, क्योंकि ये जो खबर है भाई एकदम से झूठी है। तो कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, कल मूवी का टाइटल ट्रैक आने वाला है, देखते हैं कैसा होगा, क्योंकि कुछ ही दिन यानी कुछ मंथ तो नहीं यार, शायद 40 से 45 दिन रह चुके हैं रिलीज़ होने को इस मूवी को। तो देखना होगा कैसी तैयारी है, कैसी प्रमोशन होती है इस मूवी की। हालांकि प्रमोशन की तैयारी तो अभी से कर दी कि मूवी रीमेक है, तो भाई यहाँ पे शायद ये पैतरा भी हो सकता है कि मूवी को हाइप आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कुछ किया जाए, मगर नहीं लगता कि ये जो सब किया है शायद पूजा एंटरटेनमेंट के कुछ लोगों ने किया हो, मगर ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने खुद आके बोला कि भाई हमारी मूवी रीमेक नहीं है। तो दोस्तों मैं यही कहूँगा कि भाई
कोई टेंशन की बात नहीं है, अक्षय कुमार भाई बहुत कर लिए मूवी रीमेक, मगर अब इस बार नहीं होगा, क्योंकि इस बार भाई जो मूवी का डायरेक्टर है वो भाई बहुत बेहतरीन है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।